देख रहे हो ये तो खुशी अभी आज चेहरे पे देखने को मिल रही है, लेकिन एक एक हम हमें से एक एक बंदा थोड़ा से गम में है, वो है हमारे नियंता भाई। कौन आ गया एकदम से? मैं हूँ। मैं वो कौन हूँ? आप और आप और कुछ इस तरीके की मॉर्निंग के साथ अभी स्वागत करते हैं आप सबका एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग क्या, उसी ब्लॉग में देख रहे हो ये तो खुशी अभी आज चेहरे पे देखने को मिल रही है, लेकिन एक एक हम हमें से एक एक बंदा थोड़ा से गम में है, वो है हमारे नियंता भाई, जो कि थोड़े से जरा उदास है, इनकी तबीयत भी थोड़ी सी खराब है, देख रहे हो। याद आएगा भाई, ये दिन सही बात है, सही बात है भाई। तो भाई फाइनली फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी में है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट है और थोड़ा सा गम है। वो किस चीज के लिए गम? अब हम यहाँ से जा रहे हैं रायपुर सिटी से, हम आज निकल रहे हैं वापस अपने घर। इसी बात पे रोहित भाई के दीपक दादा यार बुरा लगेगा यार जाके, लेकिन आऊंगा वापस पक्का मैं, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क पूरा प्रोग्राम हमारा बन के रहेगा, वहां पे जाना है। अंदर की बात बोलो कि शक्ल नहीं देखोगे, लेकिन ये अच्छा लगेगा। सही बात है। हमारी बाकी की गैंग भी आ चुकी है, हमारे सुजीत भैया, हमारे विनय भाई जो कि गाड़ी वाले हैं, और हमारे नाम बताइए सर, ब्रिजेश शर्मा जी, पूरा ब्रिजेश शर्मा, हाँ। और हमारे ललित भैया आ चुके हैं, और ये तो जानते हैं, नहीं भाई, ओ सॉरी नियंता भाई आ चुके हैं, इनका नया नाम रख दिया है नहीं भाई। तो फाइनली अभी भाई यहाँ से हमारी निकलने की पूरी तैयारी हो चुकी है, थोड़ा सा दिल में गम है और थोड़ी सी खुशी भी, एक्साइटमेंट की चीज़ के फाइनली आज हम निकल रहे हैं वापसी अपने घर की तरफ। और लेकिन थोड़ा सा दुख का कारण, ये खस्ता हुआ बंदा, ये हमारे गोलू भैया, और ये हमारे सुजीत भैया, हमारे विनय भाई, और हमारे भाई। तो भैया अभी नाम से कुछ नहीं होता, दिल में आपके साथ जो इतना जो वक्त बीता वो हमेशा यादगार रहेगा। बिल्कुल भैया, और हमारे छत्तीसगढ़ में हमेशा आपका स्वागत रहेगा। बिल्कुल परिवार परिवार बना के जा रहे हैं अभी हम यहाँ पे, और एक परिवार से निकल के अभी दूसरे परिवार की तरफ हम जा रहे हैं। रिशु कर रहा भाई, हमारी पूरी पैकिंग, पूरी फाइनल पूरी पैकिंग हो चुकी है, और अब हम यहाँ से निकलने की पूरी तैयारी में हैं। ये बंदा सबसे ज्यादा घर पे जाकर रोएगा, ये बंदा आके बंद करके रोने वाला है, ठीक है ना नियंता भाई, चलते हैं मिलेंगे। ठीक, हमारे बंटी भैया और हमारे फिर से मुस्कुराते हुए कार मालिक, हमारे विनय वर्मा दक्षिण के हीरो, हमारे नाम बताइए सर। हैप्पी जर्नी कुणाल। कुणाल भाई, नाम ही भूल गए। और अरे यार नाम ले रहा हूँ मैं सबके इसमें। तुम्हारा नाम क्या है? रिशु। रिशु उपाध्यक्ष जी। ऋषभ भाई, और हमारी मेन चाय की टपरी यही थी, यहीं पे हम पीते थे चाय। पनीर गाइस अभी यहाँ से निकल रहे हैं, और आज सब चीजें एक परिवार छोड़ के दूसरे परिवार में जा रहे हैं वापस, लेकिन मजा आने वाला है। और अपनी निकल चुके हम गाड़ी, अंकल बैठे वहाँ से हमें देख रहे हैं, चाय याद आएगी अंकल जी, आएंगे फिर कभी, ठीक है। चले दादा, जय श्री बाबा केदार। चले बाबा, चलो जी, ठीक है, केदारनाथ में मिलेंगे। बिल्कुल। पानी लगा, हमारा जो है वो खाना आ चुका है, और हम अभी रायपुर से तकरीबन 50-60 किलोमीटर आ चुके हैं। दही भी आ गई हमारी, देख रहे हो, दोनों चीज़ आ गई हैं। अभी फाइनली भी ज़रा सुबह का नाश्ता ही अभी तो हमारे नाश्ता वगैरह करते हैं, और निकलते हैं अभी अपने आगे सफ़र जो कि रहने वाला सागर, यहाँ से तकरीबन 450 किलोमीटर है, और दोपहर के तकरीबन 1 बजने वाला है। नाश्ता करते 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 1 बज जाएगा, ये तो रुका ही नहीं, कैसे तो खाना चालू कर दिया लड़के ने, है ना। तो सीधा गोप्रो भी अभी हमारा हो चुका है जरा सेट, पहले सेट नहीं था तो लगा नहीं था, जरा सेट हो चुका है तो जरा लगाते हैं, पहले खाते हैं फिर आगे निकलते हैं। यहाँ से अपना जो है बोरी बिस्तर समेट के हम निकल रहे अपने आगे की तरफ, और यहाँ से जो अभी हमें जाना है दिल्ली वो है तकरीबन 1122 किलोमीटर, लेकिन कोशिश कर रहे हैं जरा अभी हम थोड़ा सा उसे जल्दी कैप्चर करने की। रायपुर से निकले हुए हमें तकरीबन 50 किलोमीटर हो चुके हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं कुछ बुरी चीज़ें हैं। बुरी चीज़ ये है कि वहाँ की थोड़ी सी ज़रा याद आने लगी, क्योंकि आप एक जगह पर अगर थोड़ा सा अपना ज़्यादा टाइम और पूरी मेहनत एक जगह झोंक देते हो ना, फिर वहाँ से निकलने की कोशिश करते हो तो आपको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हम फिर से बैक ऑन द ट्रैक आ चुके हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें ये हैं कि वापस अब हमें कॉर्बेट अपने जाने का मौका मिलेगा, जिस चीज़ का आप सब लोगों को इतने दिनों से बेसब्री से इंतज़ार था वो फाइनली चीज़ आने वाली है, होने वाली है। और एक थोड़ा सा जो दिल में अफसोस रह गया है वो ये है कि हम इतने टाइम जिस जगह पर रहे रायपुर में, उस जगह के मैंने ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाए, लेकिन वहाँ पर कुछ अच्छे दोस्त ऐसे बन गए थे
जो एक परिवार के तरह बन चुके थे। खैर सब एक लाइफ का पार्ट है। जब मैं कॉर्बेट से निकला था तब मुझे ठीक ऐसे महसूस रहा था 2 महीने तक, और अब 2 महीने बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं यार रायपुर भी अच्छी जगह थी, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे दोस्त ऐसे घर मिल गए थे हमें जो बिल्कुल हमारे घर की तरह थे। 450 किलोमीटर कवर करने में बहुत टाइम लगने वाला है यार अभी, क्योंकि अभी बीच में हमारा थोड़ा सा चिल्पी घाटी की रेंज भी पड़ेगी। सो, भाई साहब बाइक चलाते चलाते हो गए हैं हमें तकरीबन और 3 घंटे, और अभी बज चुके हैं 4:45 और सूरज ढलता हुआ। भाई हालत पूरी तरीके से डाउन होती जा रही है धीरे धीरे। बीच बीच में जो है थोड़े मतलब एक आधी बार मैंने चाय वाय भी बीच में पी है रोक के, लेकिन अभी भी जहाँ हमें जाना है वो जगह रह गई है अराउंड 270 किलोमीटर। 2000 years later, day 2। चलते चलते आ गया हम इस मानुष के पास। इसकी हालत देख लो क्या हो रही है। ये तो जितना अभी फेस वॉश करके अपना चेहरा चमकाया है, बदबू आ रही है वैसे पूरी होके, कुछ इस तरीके की हालत हो रही है। और कुछ इस तरीके की मॉर्निंग के साथ अभी स्वागत करते हैं आप सबका एक नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग क्या, उसी ब्लॉग में कल एक्चुअली क्या था कि जल्दी जल्दी पहुँचना था हमें, और हालत दोनों की ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो कोशिश यही थी कि सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा रास्ता जो है वो कवर करा जाए। तो कल रायपुर से हम थोड़ा सा लेट निकले थे, 11 बजे निकले थे, फिर भी हमने 500 किलोमीटर जो है रास्ता कवर किया। तो अभी भी यहाँ से दिल्ली जो है वो तकरीबन 650 किलोमीटर है, और खुशी है थोड़ी सी फाइनली अभी हम निकल चुके हैं रायपुर से बहुत महीनों बाद। आप सब लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि कॉर्बेट के लिए वैसे इधर उधर क्या बताऊँ, कुछ काम था इस वजह से नहीं जा पा रहा था, लेकिन फाइनली अब काम खत्म हो गया। चेहरे मत जाना, चेहरे की हालत तो ख़राब हो रही है। यहाँ से भी हम आधे घंटे में यहाँ से निकलेंगे। अभी हम हैं सागर में, और सागर से ललितपुर झांसी होते हुए सीधा हम दिल्ली की तरफ पहुँचेंगे। थोड़ा सा आज बोलने में या फिर कैमरे के एंगल में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कैमरा तकरीबन 1.5-2 महीने बाद उठाया मैंने फ़ोन, मतलब प्रैक्टिसिंग में आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। खैर कुछ इस तरीके का हमारा ये रूम था जहाँ पर हम सोए थे रात में 1 बजे। सही था, कोई दिक्कत नहीं है। 1300 रुपये में 1300 रुपये मिल गया। तू जा रहा है? हाँ मैं आ रहा हूँ, फिर आप जा रहे हो। ठीक है ठीक है ठीक। इसका जो रूम का जो टॉयलेट वगैरह है वो इतना कुछ खास नहीं था, तो दूसरा रूम खुलवाया। खैर चलो अभी चलते हैं धीरे धीरे आगे आगे चल के और बातों की बहुत बातें हैं, बहुत ज़्यादा आपसे इंपॉर्टेंट बातें करनी है। मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, जो रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है या फिर यहीं से खा के निकलेंगे। चाय वाय आलू पराठा, सुन आलू सुन तो ले, आलू पराठा के अलावा गोभी पराठा है क्या पूछियो भाई। सुबह सुबह अपना नाश्ता जो है वो आ चुका है, मेरा भाई ले गया इतनी दूर 4 किलोमीटर से चाय पीना है। चाय नहीं है होटल में, चाय नहीं है भाई होटल में, चाय नहीं है। और नाश्ता करने के बाद अभी सबसे पहला जो हमारा पड़ाव रहने वाला है वो पहले आज झांसी की तरफ रुकेंगे, उससे पहले कहीं रुकेंगे रिक्शू, पहले बता रहा हूँ। कितनी दूर है? 200-300 किलोमीटर जो भी है। अगर मजाक कर रहे हो 100 किलोमीटर बाद हर कोशिश करते हैं कि 100 किलोमीटर बाद एक बार रुका जाए। तो कोशिश 100 किलोमीटर बाद की है, जो कि ललितपुर रहता है। यहाँ से ललितपुर से बाद फिर झांसी रुकेंगे, फिर ग्वालियर रुकेंगे, और फिर सीधा आगरा रुकेंगे। तो ये छोटे छोटे पैच बना लिए हमने, और चाय के साथ पराठा, पराठे के साथ ओ हो फोन हमारा, देखते हैं जरा क्या देखते हैं, और उसके बाद ज़्यादा जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी 9:30 बज चुका है। रास्ते में करते हैं बहुत सारी बातें करने के लिए। तो चलते हैं भाई। अब तो देखा जाएगा रिशु क्या होगा यार, लेकिन भाई ये कोर एरिया है रिशु, ये मेरे भाई कोर एरिया में से एक है, ये समझ गया तू। ये देख ले कैसे जाएंगे हम भाई। सोचा था कॉर्बेट जाके अपने सारे ब्लॉग जंगल वाले स्टार्ट होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है जंगल के ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो गए भाई। बहुत दिन हो गए ना यार ऐसी जगह पे गए हुए, तो ज़रा थोड़ा सा डर सा लग रहा है अब, क्योंकि इन जगहों की आदतें ना अभी छूटी पड़ी हैं हमें। तो ज़रा ध्यान से देखना पड़ेगा भाई क्या है यहाँ का सीन क्या नहीं है भाई, ध्यान से जाना पड़ेगा। यहाँ पर इशू है ना, मैंने कहा ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ से। A few moments later. So finally guys, चलते चलते हम फाइनली पहुँच गए हैं अपने आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ।
और अब देखिए ज़रा क्या हो रहा है यहाँ पे, कितना चार्ज लगता है सब पता चलेगा अभी आपको। भैया जी नोएडा है तेरे पास 5 रुपये खुले हुए? लो जी 205 रुपये की प्रथा को निभाया जाए और हमारा, हाँ जी गाड़ी नंबर UK 18 UK गाड़ी नंबर भी रजिस्टर्ड भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। इसे रखा जाए अंदर और अब जल्दी जल्दी निकला जाए यहाँ से बाहर। चलो जी फाइनली गाइस वी आर ऑन द यमुना एक्सप्रेस वे यो, और अभी हमें जहाँ पर पहुँचना है जो कि हमारे जिला गाजियाबाद, वो है अराउंड यहाँ से 185 और अराउंड 190 इसके आसपास का ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी देखते हैं जरा अभी अपने को कितनी देर लगती है, 2 घंटे से तो ज़्यादा ही लगेंगे खैर। अभी द नेक्स्ट डे कौन आ गया एकदम से? मैं हूँ कौन हूँ आप? मामू। और आप कौन हो? मैं टप्पल हाँ। मी टप्पल टप्पल कहाँ टप्पल? ओ जीजी भी आ गई, भाग गई जीजी तो। कहाँ भाग रही जीजी? ओरी 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 जीजी ये कौन आ गया? ओ ये तो जीजी आ गई, ओ ये तो जीजी आ गई, सीजी पीछे रह गई, पीछे रह गई बीजी, सीजी तो छुप गई, अब सीजी छुप गई, ये आ गई। ओए हाँ तुम्हारा आ रहा है। ओ सीजी भी आ गई। सो फाइनली गाइस अभी पहुंच चुके हैं जरा घर पे, और रात को नहीं दिखा पाए थे क्योंकि रात को जरा लेट हो गए थे थोड़ा सा, और अभी हमारे साथ हमारे महाराज जी हैं और शीशी वहाँ पे छुप रही है बार बार, देख रहे हो वो अकेले कोने में, ये देखो दोनों के दोनों। ओहो ओहो आ गई शीशी भी आ गई, भागती 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 भागती। सो फाइनली गाइस पहुँच चुके हैं जरा घर पे, और अभी मैं जरा इसे बंद कर दूंगा, है ना बंद कर दें इसे, हाँ ना आप खेल लो मैं बंद कर लूँ जरा। तो भाई दिन की शुरुआत के साथ दिखा देता हूँ, ये दोनों खड़ी हैं अपनी जरा बाइक के, दोनों के दोनों को देखिए बहुत दिन हो गया, और दिन का सूरज बहुत दिनों बाद आज फाइनली जरा निकला है, और फाइनली अब अपने लोग जरा पहुँच चुके हैं घर पे अपने पहले ही आने के बाद। एक अंदर से बंद कर दो, हाँ तो पहले आने के बाद डायरेक्ट चला गया था मैं सीधा अपनी बहन के घर पे, क्योंकि बच्चों से मिले हुए जरा बहुत दिन हो गए थे बहन के छोटे बच्चों से, और फिर उसके बाद एक दो दिन रेस्ट किया, और अभी 3 दिन बाद जाके आगे का ब्लॉग कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी मैं गाज़ियाबाद में हूँ और दिल्ली भी अभी अपने घर पे नहीं गया हूँ, बहुत दिन आराम करने का मन है अभी तो। उसके बाद थोड़ा सा अपना काम देखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट निकलेंगे अपने शायद ऑर्बिट के ब्लॉग्स, जो कि आपको शायद उम्मीद है मुझे थोड़ी सी जल्दी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन हाँ तकरीबन 1-1.5 हफ्ता लगेगा उसमें भी अभी, क्योंकि 5 महीने बाद वापस आया हूँ और घर पर भी बहुत बहुत दिनों बाद रुका हूँ, तो रुकेंगे यहाँ पे 10-15 दिन, फिर उसके बाद निकलेंगे शायद अपनी कॉर्बेट की सफारी के लिए, या फिर उससे भी अलग कुछ और अपने जो अभी नेशनल पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पे कोशिश करूँगा पहले वहाँ पे भी हो गया आ जाए। बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट गई हैं, आप सब लोगों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि नाइट व्लॉग्स चाहिए, तो ये तो भाई कोशिश पूरी है, लेकिन थोड़ी उलझनों में ज़रा फंसा हुआ था, उन उलझनों से जाकर थोड़ा सा निकला हूँ, थोड़ा सा बाकी हूँ, कोशिश यही है कि ज़रा जल्दी जल्दी उन सब चीज़ों को ख़त्म करा जाए, फिर एक प्रॉपर एक तरीके से चैनल को भी आगे चलाया जाए, क्योंकि चैनल पे बहुत टाइम से वीडियोस नहीं डल पा रही हूँ उस हिसाब से जिस हिसाब से पहले डलती थी। तो अभी तक के लिए तो खैर यही है, अभी आप तक के लिए जो बात पहुँचानी थी वो यही थी कि मैं अभी गाज़ियाबाद अपने घर पर जहाँ पहुँच चुका हूँ, और ये खड़ी अपनी बाइक्स, दोनों की सर्विस होनी है तो दोनों की सर्विस करवाते हैं, फिर आगे के अपने सफ़र के लिए जो भी होता है वो निकलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और ध्यान रखना आप सब लोग, मैं भी अपना ध्यान रखूँगा, हाथ में हल्की से चोट लगी है बस, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और वो देखते हैं जरा अपना कहाँ का रहता है वो बाद में पता चलेगा, और अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा है तो जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं, कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है बाय बाय।